हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हमने हिंदी विषय में ही आदिकाल के बारे में चर्चा की थी। आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए भक्ति काल के बारे में बात करेंगे। देखिए, भक्ति काल जो है वो 1375 से 1700 तक के लिए माना जाता है। भक्ति काल की विशेषताएं जानने से पहले हम थोड़ा सा भक्ति काल के बारे में जरा समझ लेते हैं कि भक्ति काल का उदय किस तरीके से हुआ। तो जैसा हमने पीछे देखा था, वीर गाथा काल की बात करी थी हमने, जिसको आदिकाल भी कहा गया था। तो उस समय क्या हुआ कि एक एक करके हिंदू राजा सामंत यवनों द्वारा परास्त हो चुके थे और समस्त भारत में मुसलमानों का अखंड साम्राज्य स्थापित हो चुका था। इस समय जब हम भक्ति काल के समय की बात कर रहे हैं, 1375 के समय, उस समय जो भी मुसलमान विजेता थे उन्होंने अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार करना शुरू कर दिया। हिंदुओं को ऐसा लगा उस समय कि हिंदुओं का धर्म, उनकी संस्कृति, उनका अस्तित्व सब खतरे में थे। कवियों के आश्रय समाप्त हो चुके थे, वीर गाथा काल की वीर गाथाओं की प्रवृत्ति समाप्त हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में, ऐसी हताश अवस्था में हिंदी के भक्त कवियों ने भक्ति का आश्रय लिया और भक्ति विषयक काव्य का सर्जन किया। उस समय फिर भक्ति काल की शुरुआत हुई। आज हम बात करेंगे भक्ति काल की विशेषताएं। ये तो हमें ये पता लगा कि जैसे जैसे वीर गाथा काल समाप्त होता गया, मुस्लिम साम्राज्य बढ़ता गया, मुस्लिम अपने धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देने लगे, उनका प्रचार प्रसार करने लगे, तो उस समय ऐसा आभास हुआ कि भक्ति की बात भी होनी चाहिए और जो हिंदू हैं वो, उन्होंने भी, भक्त कवियों ने भक्ति का आश्रय लेते हुए इस काव्य का सृजन किया। अब इस काव्य की, इस काल की, भक्ति काल की विशेषताएं हम देखते हैं। जैसा नाम से ही आप देख रहे हैं भक्ति काल, तो भक्ति की प्रधानता इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि समस्त कवि भक्ति मार्गी थे और कबीर के ज्ञान मार्ग में भी हरि गति जाने बिना बुढ़ी मुआ संसार के अनुसार, यदि कवि की इस बात को हम देखें कि हरि गति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार, इसमें भक्ति की ही प्रधानता देखने को मिलती है। इसी में तुलसी ने भी अपनी नवदा भक्ति में भक्ति को ही प्राथमिकता दी है, प्रधानता दी है। तो इस काल के कवियों ने भक्ति को प्रधानता देते हुए अपने काव्यों की रचना की। दूसरी विशेषता है स्वानुभूत ज्ञान की महत्ता। स्वानुभूत ज्ञान की महत्ता, भक्त कवियों ने शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा स्वानुभूत यानी अपने आप जो अनुभव किया उस ज्ञान को अधिक महत्व दिया। जैसे उस समय कवि ने कहा था कि पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पड़े सुपंडित होए। तो अपने अनुभव के आधार पर कवियों ने अपने ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया था। इस समय में सूर ने भी कृष्ण भक्त गोपियों के स्वर में निजी अनुभव को ही प्राथमिकता दी। तो इस काल के कवियों ने स्वानुभूत ज्ञान को ध्यान में रखते हुए ही अपने काव्य की रचना की। फिर आती है विशेषता श्रृंगार तथा शांत रस की प्रधानता। अब ईश्वर प्राप्ति की यदि हम बात करते हैं, तो ईश्वर प्राप्ति के लिए संसार से मोह का त्याग करने के संदर्भ में शांत तथा ईश्वर से प्रेम करना और उसके संदर्भ में श्रृंगार रस का इस समय पारिपाक हुआ। यानी इस समय जो है श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता इस समय रही, क्योंकि श्रृंगार कृष्ण, कृष्ण की गोपियां, उनके श्रृंगार की बात, और जब कभी राम की बात करते थे तो वहां शांति दिखाई देती थी। तो हम कह सकते हैं कि भक्ति काल में श्रृंगार रस और शांत रस की प्रधानता देखने को मिलती है। फिर इसकी विशेषता बनती है एक गुरु की महिमा का वर्णन।
क्योंकि देखिए गुरु के अभाव में परमात्मा तक पहुंचने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। गुरु गोविंद खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कहते हैं कि गुरु कृपा से ही भक्त सन्मार्ग का पथिक बनकर परमात्मा तक पहुंच सकता है। जैसा कि मैं आपने देखा कि कबीर ने यही कहा कि गुरु जो है वो गोविंद से भी महान है। जायसी ने भी अपनी रचना में गुरु वंदना की है। तुलसी ने भी सर्वप्रथम यही कहा कि बंदव गुरु पद कंज, यानी गुरु की वंदना ही सबसे बड़ी वंदना है। सूरदास ने भी गुरु चरणों की नक चंद्रिका एकमात्र प्रकाश पुंज है, इस तरीके से उन्होंने भी कहा। यानी इस काल के कवियों ने गुरु की महिमा का बहुत वर्णन किया है। फिर विशेषता बनती है छंदों और अलंकारों का विविध मुखी प्रयोग। इस काल के इस साहित्य में छंदों और अलंकारों का अलग अलग प्रयोग देखने को मिलता है। इस साहित्य के प्रमुख छंद है दोहा देखने को मिलता है, चौपाई, कुंडलिया, पद आदि, और अधिकांश अलंकार सादृश्य मूलक है। सबका अनायास आगमन ही इसमें हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भक्ति काल में छंदों और अलंकारों का अलग अलग प्रयोग हमें देखने को मिलता है। अहंकार का परित्याग, जहां भक्ति की बात आ जाती है, जहां ईश्वर प्राप्ति की बात आ जाती है, वहां अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। तो भक्त कवि अहंकार को ईश्वर प्राप्ति में बाधक मानते हैं और अत्यंत विनयशील होने पर बल देते हैं। कबीर ने तो कहा भी था कि जब तक हृदय में अहंकार विद्यमान है, परमात्मा मानस मंदिर में कदम रख ही नहीं सकता। उधर तुलसी भी अहंकारी पंडित और मूर्ख में कोई भेद नहीं मानते हैं। यानी इस काल के कवियों ने अहंकार को पूरी तरीके से परित्याग किया है। फिर विशेषता बनती है ब्रज तथा अवधी भाषाओं में काव्य रचना। भक्तिकालीन साहित्य में उस समय ब्रज भाषा और अवधी भाषा चलती थी, तो अवधी भाषा में ब्रज भाषा में इनकी रचना हुई है। भक्तिकालीन साहित्य की पद्मावत और रामचरितमानस ये अवधि में है, तो जो कृष्ण भक्ति का जो भी काव्य है वो सब ब्रज भाषा में है। फिर विशेषता बनती है सत्संग की महिमा। देखिए कि सत्संग, जब अगर परमात्मा को पाना है तो सत्संग तो आपको करना पड़ेगा। सत जनों का संग जब करोगे तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो इस काल के सभी भक्त कवियों ने सत्संग की महत्ता को स्वीकार किया है। तुलसी ने नवधा भक्ति के प्रकरण में प्रथम गति संतन कर संगा, इसमें सत्संग को ही प्रथम श्रेणी की भक्ति माना है। उधर कबीर ने भी कबीरा संगति साधु की हरय और की व्याधि, कबीर ने भी सत्संग को महत्व दिया है। सूर ने भी अपने मन में कहा, अपने मन से कहा कि तजोरे मन हरि विमुखन को संग, और उन्होंने भी सत्संग, यानी इस काल के चाहे तुलसी हों, चाहे सूर हों, चाहे कबीर हों, सब ने सत्संग की महत्ता को स्वीकार किया। फिर विशेषता आती है नाम की महिमा, नाम संकीर्तन की नाम आधारा। सब कुछ जो है वो नाम के ही आधार है। सभी संत एवं भक्त कवियों की रचनाओं में नाम संकीर्तन की महिमा वर्णित होती है। सूफियों ने तथा कृष्ण भक्त कवियों ने भी नाम संकीर्तन को प्रधानता दी है। तुलसी तो खाते पीते सोते जागते सब में नाम जप की रट लगाते रहते हैं। उनकी दृष्टि में नाम ईश्वर से भी बढ़कर है। उनके शंकर राम का नाम ही जप करते थे। और सूरदास की बात करें तो सूरदास को भी भरोसो नाम को भारी, यानी वो भी कहते थे कि नाम के भरोसा सब पर भारी है। तो यहाँ पर जो है नाम की महिमा का वर्णन इस काल के कवियों ने किया है। और फिर विशेषता आती है स्वांत है सुखाए रचनाएं। भक्ति काल की सभी शाखा सभी प्रशाखाओं में सभी कवियों ने राजाश्रय से मुक्त होकर
स्वांत सुखाय रचना करने की घोषणा की। यानी वो किसी के आश्रित होकर किसी की झूठी प्रशंसा करने के लिए अपने काव्यों की रचना नहीं करते थे, वो स्वांत सुखाय के लिए, स्वयं के सुख के लिए जो उन्हें अच्छा लगता था वो उसकी बात करते थे। मस्त मौला कबीर ने तो तत्कालीन शाखाओं के धर्म की उन्मुक्त कंठ से बुराई भी की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस के प्रारंभ में कहा कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि अपने सुख के लिए तुलसी जो है रघुनाथ गाथा को लिख रहे हैं। इसी तरीके से कृष्ण भक्त कवियों ने भी संतन कहा सीकरी सौ काम कहकर अपनी कवि स्वतंत्रता का ज्ञापन करा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्तिकालीन कवि, पूर्ववर्ती जो वीर गाथाकालीन कवि थे और समसामयिक तथा रीतिकालीन कवियों की भांति वो राज्यों पर आश्रित नहीं थे, वे अपने मनोराज्य में विचरण करने वाले स्वतंत्र चेता थे। स्वयं के सुख से संबंधित रचनाओं को उस समय उन्होंने रचा था। तो इस काल के कवि जो है स्वांत सुखाय रचनाएं रचित करते थे। तो ये हमने देखा कि भक्ति काल क्या था, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। आप इन विशेषताओं को हेडिंग के हिसाब से याद करिए, इसके अंदर के मैटर को देखिए, समझिए और प्रश्न को बहुत ही अच्छे ढंग से उत्तर पुस्तिका में लिखकर आए। आज के इस व्याख्यान को मैं डॉक्टर राकेश मडोला यहीं समाप्त करता हूँ। अगले व्याख्यान में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।